दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कर देना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नोमैक्स सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आवाज बैठी हुई बट सोचा चलो क्वेश्चन आंसर वाला बना देते हैं। कल शाम का वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा बैठ गई थी, निकल नहीं रही थी, तो अभी थोड़ा ठीक है तो सुबह सुबह वीडियो बनाया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, विवेक आंसर्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जान लेता हूँ मैं आपके क्वेश्चन और देता हूँ उनके आंसर्स। अगले वाले एपिसोड में आना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखो। बिग बिलियन डे सेल और अमेजोन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल से रिलेटेड बहुत सारे सवाल इस वीडियो में और बहुत अलग सवाल भी है, सब आएंगे, सबको आंसर देने की कोशिश करेंगे। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना। चलते हैं सबसे पहले पिछले हफ्ते के पोल की तरफ। पिछले हफ्ते मैंने पोल में पूछा था कि आपके फोन में कितने जीबी रैम है, 2 GB या उससे कम, 3 और 4 GB, 6 GB, 8 GB और 12 GB या उससे ज़्यादा, ऐसे पोल दिए गए थे जिसमें करीब करीब 10,000 लोगों ने वोट किया है। चलिए अच्छी बात है, इसमें से सबसे ज़्यादा वोटिंग मिली है 3 GB और 4 GB, इसमें 4 GB वाले को सबसे ज़्यादा है मेरे हिसाब से। 3 GB तो आज के टाइम में बहुत कम स्मार्टफोन आ रहे हैं, तो 3 GB 4 GB 37% के साथ है, 6 GB वाले 32% के साथ हैं। ये एक अल्टीमेट वाला है, 6 GB वाला सबसे ज़्यादा लोग लेते भी हैं। चलिए इसके बाद 8 GB वाले जो हैं वो 18% है, और फिर जो 2 GB उससे कम वाले हैं वो 8% है, और 12 GB उससे ज़्यादा वाले 5% है। मेरे पास एक 6 GB वाला है और एक 8 GB वाला है, दो स्मार्टफोन अभी हैं जो यूज़ करना, ऐसे तो बहुत सारे और जो मैं डेली यूज़ करता हूँ उसमें। चलिए अच्छी बात है, अब चलते हैं इस हफ्ते के क्वेश्चन की तरफ। इसमें से कोई एक पिक करना है आपको, स्मार्टफोन के चिपसेट्स हैं, कोई एक पिक कीजिए जाके जो आपको पसंद हो, मतलब स्नैपड्रैगन का या मीडियाटेक का या फिर ए बायोनिक जो कि एप्पल में आता है, और कोई और अगर है तो उस पर क्लिक कीजिए और कमेंट में मेंशन कर दीजिए जाके कम्युनिटी पोस्ट में कि कौन सा वाला आपने सिलेक्ट किया है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आता है एक्सॉन गेमिंग की तरफ से, रेडमी K50i का कितना प्राइस होगा ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में? मैं पिछले वाले वीडियो में बोला था इसके बदले आप पोको F4 की तरफ देख सकते हो, 1,500 आपको ज़्यादा देना पड़ेगा सेल में एंड आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन स्टिल अगर इसका पूछोगे तो मेरे हिसाब से 20,000 के आसपास तक सारे ऑफर्स लाके मिल जाना चाहिए। अब लेट्स सी, ये अजम्पशन है, ठीक है, श्योर नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से सारे ऑफर्स लाके 20,000 के आसपास मिल जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आता है बेस्ट अफरीदी की तरफ से, सर iQOO 9 SE और iQOO Neo 6 में से कौन सा बेटर रहेगा जब दोनों का प्राइस लगभग सेम है? iQOO 9 SE दोनों में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भानु छेत्री की तरफ से, सर मोबाइल ब्रांड देख कर लें या फीचर रिव्यूज़, वो भी पेड वाले नहीं, जो मतलब एक्चुअल रिव्यूज़ होते हैं, वो ऐसा नहीं कि फीचर बहुत अच्छा है तो मतलब ले ही लेना है, क्योंकि बाहर से बहुत सारे स्मार्ट पोको के कुछ एक दो आए थे या तो बाद में इश्यूज़ होने लगे, या ब्रांड अच्छा तो सैमसंग के 15,000 के नीचे वाले ब्रांड देख लो, तो ऐसा नहीं कि ब्रांड या फीचर देख के लेना, आपको रिव्यूज़ देख के लेना है कि कौन से स्मार्टफोन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो देख के लीजिए रादर देन कि मोबाइल ब्रांड या फीचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मंचित की तरफ से, वाई आर यू टेकिंग S22 Ultra व्हेन यू नो आईफोन कान बी बीटन ऑन देयर वीडियो क्वालिटी? ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, सो मैं इस पे आंसर नहीं दूंगा, लेकिन एक चीज कहूंगा कैमरा के बारे में, देखिए आईफोन बीट कर रहा है S22 Ultra को, चलिए उस पर डिस्कस नहीं करते हैं, उसको साइड में रखते हैं। हाँ एंड्रॉइड है ना, वो थोड़ा फ्रीडम देता है, इसीलिए मैं S22 Ultra देख रहा हूँ, कैमरा को साइड में रखते हैं, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विकी की तरफ से, सर मुझे अंडर 30K फ़ोन लेना है, और सर BBD सेल में दिवाली सेल में कौन सी सेल ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी? दोनों के अपने अपने ऑफर्स होते हैं, 2 साल पहले दिवाली सेल में कुछ तगड़े ऑफर्स आए थे, पिछले साल मैंने बता दिया कि दिवाली सेल बेटर होता है, तो पिछले साल BBD बेटर निकल गया, तो आपका जो स्मार्टफोन है जो आपको लेना है उस पर जो अच्छा ऑफर दिखे आप ले लो, ठीक है, दूसरे किसी का वेट मत करो, मैं सजेस्ट यही करूँगा, बाकी आपको देखना है, देख लीजिए विकी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संदीप कुमार बेहरा की तरफ से, आईफोन पे ऑफर अमेजोन पे आएगा फ्लिपकार्ट पे? दोनों पे अलग अलग ऑफर्स रहेंगे लेकिन दोनों पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है EFX राखी की तरफ से, पोको X4 प्रो 12-13 हज़ार में मिल सकता है क्या? 14,000 तक आ चुका है मिनिमम टू मिनिमम ऑफर अगर आप देखें तो, मतलब सारे ऑफर्स लगा के 14,000 तक एक दो सेल पहले आया था, तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर सबसे बड़ा सेल है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 13,000 तक आना चाहिए, लेट्स सी सारे ऑफर लगा के मिलता है कि नहीं, मेरे हिसाब से तो उस प्राइस तक आना चाहिए, बाकी लेट्स सी किस प्राइस पे लेके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनोद तरफदार की तरफ से, #विवेकआंसर, मेरी वाइफ के पास ऑलरेडी सैमसंग गैलेक्सी S20 FE है और उसको यूट्यूब चैनल है और यूट्यूब वीडियोस बनाना होता है,
और अब मुझे एक अच्छा कैमरा फोन चाहिए विद OIS। चाइनीज फोन लेना ही नहीं है, तो प्लीज बताइए अब मैं अपने लिए PPT सेल में सैमसंग S20 FE 5G लूँ या गूगल पिक्सल 6A। S21 5G देख लो अगर बजट का इशू नहीं है तो, अगर 30,000 के आसपास का बजट है तो फिर मैं कहूँगा गूगल पिक्सल 6 ज़्यादा बेटर है, बाकी आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सार्थक यादव की तरफ से। सर Xiaomi 11T 25 तक मिल सकता है? 28,000 तक तो आया सारे ऑफर्स लगा के 25 तो एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, 26-27 तक कर सकता हूँ, 26-27 तक अगर अच्छे ऑफर आए तो। 28 तक आ चुका है, उतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि होना ही चाहिए इस बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतीक जगताप की तरफ से। भाई कैन यू सजेस्ट अ गुड फोन अंडर 20K, प्रेफरेंसेस गुड, कैमरा डिस्प्ले डिसेंट, परफॉर्मेंस लाइक डे टू डे यूजिंग। ओके M52 फाइन माई माइंड। M52 काफ़ी अच्छा है, मतलब आप देखना चाहते हो उसकी तरफ देख सकते हो उस प्राइस के हिसाब से। मेरे हिसाब से 20,000 के नीचे अगर सारे ऑफर्स लगा के मिलता तो M52 एक काफ़ी अच्छी डील है, तो उसकी तरफ देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सौरव कोले की तरफ से। हाय विवेक ब्रदर, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप जरूर बता देना कैसे हो। आई हैव अ रिक्वेस्ट, मेक अ कंपैरेटिव वीडियो बेस्ड ऑन द डिफरेंट मोबाइल कैमरा सेंसर्स दैट आर इन द मार्केट, सोनी IMX, सैमसंग ISOCELL, ओमनीविजन, हाइनिक्स। मैं बनाऊंगा जरूर, बट थिंग इज व्हाट कि सिर्फ सेंसर ही डिसाइड नहीं करते कि कैमरा कैसा परफॉर्म करेगा, ऑप्टिमाइजेशन से लेके, ठीक है, सेंसर भी एक चीज़ होती है, लेंसेज भी चीज़ होते हैं, बहुत सारे अपर्चर कितना है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिलके। ऐसा नहीं कि सोनी का सेंसर, ऑब्वियसली मार्केट में सोनी को ज़्यादा बेटर माना जाता है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग ISOCELL, बट ऐसा ज़रूरी नहीं किसी स्मार्टफोन में सोनी का सेंसर और किसी में आपको सैमसंग का मिल रहा है तो सोनी वाला ही बेटर परफॉर्म करेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिसाइड करती हैं कि कौन सी चीज़ बेटर है, कौन सा कैमरा बेटर है, तो रिव्यूज़ पे देखिए रादर देन की सेंसर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रापचिक पीके की तरफ से। हाय विवेक, भाई मैं पंकज फ्रॉम बनारस, आई ऑलरेडी आस्क यू क्वेश्चन एट 6 times, अरे बाप रे, बट यू कांट पिक माय क्वेश्चन, इस बार प्लीज़ पिक कीजिएगा। मेरा सवाल है, मुझे PPT सेल में एक फ़ोन लेना है, रेनो 8 प्रो, वीवो X80, आईको 9 प्रो, कौन सा बेटर होगा लेना? मेरे हिसाब से सारे अगर ऑलराउंडर देख रहे हो तो आईको 9 प्रो ज़्यादा बेटर है एनी डे इन दोनों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिनेश शाह की तरफ से। बेस्ट कैमरा एंड डिस्प्ले फोन अंडर 20K, कैमरा एंड डिस्प्ले M52 अगर ऑफर के साथ मिल रहा है तो लिटरली काफ़ी अच्छा है, 18,000 तक आया हुआ है, इस बार एक्सपेक्ट करें और अच्छा है प्राइस पे, तो वो स्मार्टफोन काफ़ी बेटर है। अमेजोन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल को फॉलो करती रहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सतीश MS की तरफ से। पोको F4 सपोर्ट 7 out of 10 5G बैंड्स? अच्छा, मुझे नहीं पता था, आई मतलब 7 ही सपोर्ट करता है ये नहीं पता था। आईको नियो 6 सपोर्ट 4 out of 4 5G बैंड्स इन आवर इंडिया, देन हाउ कुड आईको नियो 6 इज बेटर देन? क्या 5G बैंड्स ही लेके चलते हो क्या यार? डिस्प्ले होता है, ठीक है, चिपसेट होता है, कैमरा होता है, बाकी सारी चीज़ें भी होती है ना। कैमरा में आईकू जो है ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। सेकंड चीज़ अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है आईकू में। थर्ड चीज़ बैटरी जो चार्जर है वो ज़्यादा फास्ट है आईकू में रादर देन की पोको F4। दोनों में 8GB 128GB जो है 30,000 पे आता है, क्योंकि आईकू जो है 8GB 128GB चालू होता है, पोको F4 जो है 6GB 128GB चालू होता है, तो बहुत सारी चीज़ें। ऊपर से पोको का जो UI है MIUI वो भी थोड़े इश्यूज क्रिएट कर रहा है अभी तक के हिसाब से, तो पोको F4 के बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं, नॉर्मल UI की बात कर रहा हूँ, MIUI 13 की बात कर रहा हूँ। बाकी आप देख सकते हो सारे ओवरऑल चीज़ें, इवन लोगों को पसंद आए को नियो 6 जो है, तो ज़्यादा क्वेश्चन अगर जाके देखते हो तो आई को नियो 6 वाले ही है, लास्ट वाले वीडियो में जाके देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टैलेंटलेस की तरफ से। सर मैं कंफ्यूज हूँ, मेरा बजट है 25,000 में और मैं फोकस है मेरा प्रोसेसर कम से कम 888 होना चाहिए, तो 888 25,000 में तो मुश्किल है, लेकिन सारे ऑफर्स लगा के 25,000 से 30,000 के बीच में मिल सकता है आपको। आईको 9SE है अभी, वो जो रियलमी का GT2 है वो आ रहा है, एंड इसके साथ साथ Xiaomi 11T, ये तीन स्मार्टफोन की नज़र रखिए, ये तीनों आपको 25,000 से 30,000 के बीच में मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है याकूब जुटके की तरफ से। #YouAnswer, हाउ आर यू? मैं अच्छा हूँ, आप ज़रूर बता देना कैसे हो। माई क्वेश्चन इज़ वेन विल आईको Z7 5G लॉन्च? अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर नहीं है। प्रडिक्शन करने की कहोगे तो मैं कहूँगा कि ये Q1 of 2023 में Jan-Feb-March उसमें पॉसिबली आपको देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आशिक पटनायक की तरफ से। #YouAnswer, सैमसंग गैलेक्सी M53 और 833, इन दोनों से बेटर M52 है, लेकिन इन दोनों में चाहिए आपको तो मैं कहूँगा M53। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षित राय की तरफ से। विल फ्लिपकार्ट गिव बिग डिस्काउंट ऑन आईको मोबाइल? आईको मोबाइल्स अमेजोन पे आते हैं, फ्लिपकार्ट पे नहीं आते, तो मोस्ट सारे मेरे ख्याल से, तो नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं।
चलिए ये हो गया आपके सारे क्वेश्चंस, कोशिश किया था 20 क्वेश्चन लेने की एंड उनके आंसर देने की। आप वाला आएगी जरूर बता देना कैसा लगा वीडियो, बता देना पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करके मुझे बता देना क्यों पसंद है। एंड कम्युनिटी सेक्शन में आके पोल करो कौन सा स्मार्टफोन चिपसेट आपको पसंद है। चलिए साइड में देखिए वेक्टर में जिसको पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और पोल जाके जरूर करना है। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया के साथ। दोस्तों